हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 25th वेडिंग एनिवर्सरी का केक बना रही हूँ। ये 3 kg का केक है और इसे बनाना काफ़ी सिंपल है हमेशा की तरह। सबसे नीचे वाला जो लेयर है ये मैंने 1.5 kg का लिया है। उसके ऊपर सेकंड लेयर जो मैंने रखा था वो 1 kg का है, एंड देन जो लास्ट लेयर टॉप का लेयर है वो 1/2 kg का है। तो मैंने इसके अंदर फ्रेश फ्लावर और क्या बोलते हैं क्रीम वाला फ्लावर दोनों का यूज़ किया है, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि मुझे फ्रेश फ्लावर के साथ साथ क्रीम वाला भी फ्लावर चाहिए, ताकि हम थोड़ा खा भी सके, क्योंकि फ्रेश फ्लावर को हम सिर्फ निकाल के साइड में रख देंगे। तो मैंने उन्हीं के डिमांड के अकॉर्डिंग ये केक बनाया है। ओके, तो आप देख सकते हैं, और जैसा आपको ये वीडियो में एक फ़ोन के अंदर दिख रहा है डिज़ाइन, ये जो डिज़ाइन में आपको केक दिख रहा है ना, वो एक्चुअली 7 kg का केक है, बट उन्होंने इस डिज़ाइन को कन्वर्ट करवाया है 3 kg में। ओके, और उन्होंने कहा कि मेरे को पूरा वाइट नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा इसमें ब्लूइश शेड चाहिए। तो मैंने बिल्कुल अकॉर्डिंग उनके हिसाब से ही किया है। ओके, मैंने पहले फर्स्ट लेयर किया 1.5 kg का, फिर मैंने जो सेकेंड लेयर था उसको मैंने कट किया है, ताकि वो थोड़ा डिफरेंस पता चले, क्योंकि 1 kg और 1.5 kg के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है कोटिंग करने के बाद। तो आप भी हमेशा ऐसे ही करना, जो सेकंड लेयर होगा अगर उसमें ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं पता चल रहा हो तो उसको थोड़ा सा उसका एज जो है वो कट कर सकते हैं, ताकि डिफरेंस पता चले। और फिर मैंने इसमें ब्लू शेड देके थोड़ा नाइफ घुमा दिया, क्योंकि अगर आप जो वीडियो में फ़ोटो दिख रहा है उसको आप जूम करके देखेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा नाइफ घुमा हुआ है। ओके, तो मैंने बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग कर दिया है। फिर मैंने लास्ट का भी लेयर सेम वैसे ही कोट कर दिया। ये मैंने बोर्ड के ऊपर कलर निकाला था और ये कलर मैं केक पे लगा रही थी, क्योंकि क्या इससे बहुत ही आसानी से काम होता है, मुझे बार बार बॉटल को उल्टा करके कलर नहीं निकालना पड़ता, इसलिए मैंने थोड़ा सा साइड में निकाल लिया, उससे मेरा काम इजी हो गया। हाँ, और आप भी मेरी तरह स्केल से डायरेक्ट केक को उठा सकते हैं, अगर किसी को उठाने में प्रॉब्लम होती है तो बिना झिझक के आप आराम से केक को स्केल से उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने ना जो मुझे उस केक के ऊपर फ्रेश फ्लावर के साथ साथ क्रीम का जो फ्लावर लगाना था वो भी मैं बना रही हूँ यहाँ पे। और ये देखने में थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पिंक कलर का स्प्रे मार रही हूँ, और साथ ही साथ मैंने इस पर सिल्वर डस्ट भी मारा। ये भी देखने में बहुत अच्छा लुक देता है, पर्सनली ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था, वीडियो में पता नहीं इतना पता चल रहा है कि नहीं। उसके बाद मैंने पहले यहाँ पर फ्रेश फ्लावर लगा लिया, और फिर क्योंकि कस्टमर ने कहा था कि मुझे जो है वो क्रीम वाला फ्लावर वो भी चाहिए, बट आप फ्रंट साइड, दो साइड होती है ना केक की, एक फ्रंट एक बैक, तो बैक साइड पे आप क्रीम वाला फ्लावर लगाइएगा और फ्रंट साइड पे फ्रेश फ्लावर लगाइएगा। मैंने कहा था कि ओके हो जाएगा, तो वैसे ही वैसा ही कर रही हूँ। मैंने फ्रंट साइड पर पूरा का पूरा फ्रेश फ्लावर लगा लिया और बैक साइड पर मैं क्रीम वाला फ्लावर यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पे सारी पत्तियाँ जो भी है एक्स्ट्रा वो सब लगा ले रही हूँ, ताकि केक का अच्छा लुक है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आए। मैं यहाँ पे जब क्रीम वाला फ्लावर लगा रही थी उसका वीडियो भी मैंने लिया था, बट वो एडिट करते हुए कट गया है, तो आप लोग देख लीजिए। और उसके बाद मैंने इसमें फ्रेश पत्ते लगा दिए, ताकि ये थोड़ा और रियल लुक दे। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।